जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक, अहमदाबाद से अगरतला तक, बिग ब्लिस हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान। नमस्कार, आप देख रहे हैं मार्केट टाइम्स टीवी, मैं हूं आपके साथ शालिनी श्रीवास्तव। रुक करते हैं बड़ी खबर की ओर। रूस से भारत जल्द सस्ते दामों पर कच्चा तेल खरीदने वाला है। रूस ने भारत को सस्ते दामों पर कच्चा तेल बेचने का ऑफर दिया है। रूस ने मौजूदा अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमतों के मुकाबले $35 प्रति बैरल के डिस्काउंट पर कच्चा तेल बेचने का ऑफर भारत को दिया है। रूस के इस ऑफर पर मोदी सरकार गंभीरता से विचार कर रही है। रूस ने भारत को कच्चे तेल बेचने के दौरान शिपिंग और बीमा खर्च की भी जिम्मेदारी खुद लेने का ऑफर दिया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अंतरराष्ट्रीय बाजार के रेट के मुकाबले रूस भारत को सस्ते दामों के साथ $35 प्रति डिस्काउंट पर कच्चा तेल बेचने को तैयार है। वहीं जाहिर है कि इसका बड़ा फायदा भारत के उपभोक्ताओं को मिलेगा, जो हर रोज पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों से परेशान है। इससे पहले पेट्रोलियम मंत्री हरदीप पुरी ने संसद में भी कुछ दिनों पहले कहा था कि भारत रूस से डिस्काउंट वाला कच्चा तेल खरीदने पर विचार कर रहा है। रूस से सस्ता कच्चा तेल खरीदने पर भारत को जबरदस्त फायदा होगा, जो महंगे कच्चे तेल से परेशान है। हालांकि केंद्र रूस को कच्चे तेल खरीदने पर भुगतान का तरीका क्या हो, इस पर विचार कर रहा है। वहीं रुपया रूबल व्यवस्था एक विकल्प है, पर अंतिम फैसला जल्द ही लिए जाने की उम्मीद है। वहीं रूस भारत का सबसे भरोसेमंद पुराना मित्र देश है। इसी के चलते भारत ने रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध को लेकर यूएन में रूस के खिलाफ मतदान में हिस्सा नहीं लिया। वहीं अमेरिका को भी रूस से भारत के तेल खरीदने पर आपत्ति नहीं है। व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव जेन साकी ने कहा, भारत रूसी तेल पर छूट खरीदारी प्रतिबंधों को उल्लंघन नहीं कर रहा है। वहीं रूस यूक्रेन के बीच जारी युद्ध के थमने के आसार के चलते अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल में भी गिरावट आई है। कच्चा तेल $5 की गिरावट के साथ $108 प्रति बैरल के स्तर पर ट्रेड कर रहा है। आपको बता दें, भारत अपने खपत का 85% कच्चे तेल के लिए आयात पर निर्भर है। वहीं आपको ये भी बता दें, रूस के विदेश मंत्री भारत के दौरे पर हैं। सूत्रों के हवाले से ये खबर सामने आई है कि इस दौरे के दौरान रूसी पेमेंट शिपमेंट SPFS पर भी विचार हो सकता है, और भारत कच्चे तेल के होने वाले इम्पोर्ट पर रुपये रूबल के पेमेंट सिस्टम को चुन सकता है। तो बड़ी खबर में अभी बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। देश के हर छोटे बड़े दुकानदार स्टोर मालिक को बिग ब्लिस देता है खुशियों के वो पल, जिनका हक है आपको। बिग ब्लिस हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान।